दपो रेलवे के आद्रा मंडल स्थित भोजुडी रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव कोरोना के प्रकोप कम होने के बाद अब उसे फिर से दोबारा रेल मंत्रालय द्वारा इन सभी ट्रेनों को भोजुडी स्टेशन पर ठहराव की मंजूरी दे दी गई है, जिसका कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भोजुडी रेलवे स्टेशन गाजे बाजे के पहुंचे और एक दूसरों के बीच मिठाई बांटी गई। वही रेल मंत्रालय के इस निर्णय का कांग्रेसियों द्वारा स्वागत किया गया है। आपको बता दें, कोरोना के प्रकोप बढ़ने के बाद दपो रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत भोजुडी स्टेशन से होकर चलने वाली इन सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसे अब तकरीबन 3 वर्षों के बाद पुनः दोबारा कोरोना प्रकोप के घटने से फिर से शुरू किया जा रहा है। हालांकि इन सभी ट्रेनों का भोजुडी रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं होने की स्थिति पर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद पशुपति नाथ सिंह द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लगातार पत्रचार करते रहे थे। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी द्वारा देवाशीष मंडल के अगुवाई में भोजुडी रेलवे स्टेशन से लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन तक के सभी रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन कर पुनः सभी गाड़ियों का परिचालन के साथ ठहराव की मांग पुरजोर से रेल मंत्रालय से की गई थी। ठहराव होने वाले ट्रेनों में स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस, आनंद बिहार नंदनकानन एक्सप्रेस, शालीमार गोरखपुर तथा हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। इन सभी ट्रेनों के ठहराव के होने से 3 वर्षों के बाद भोजुडी सहित आसपास के लोगों के लिए खुशी का माहौल है। कोरोना काल से बंद गाड़ियों का परिचालन एवं महत्वपूर्ण गाड़ियों का जो पूर्व में भोजुडी में रुकती थी उसका ठहराव को लेकर वर्षों से चंदन कैरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसियों ने आंदोलन किया। सभी गाड़ियों का परिचालन हुआ। कुछ महत्वपूर्ण गाड़ी का ठहराव नहीं था, जिसके लिए कांग्रेस द्वारा लगातार आंदोलन किया गया। महाप्रबंधक को मेमोरेंडम दिया गया, जो पैसेंजर समिति आई उसको भी मेमोरेंडम दिया गया। अंत में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग को बारीकी से रेलवे प्रबंधन के समक्ष रखने का प्रयास किया। फलस्वरूप चारों महत्वपूर्ण गाड़ी जो टाटा धनबाद, पूरी न्यू दिल्ली, शालीमार गोरखपुर, रांची हावड़ा, ये 4 महत्वपूर्ण गाड़ी का ठहराव भोजुडी में पुनः स्वीकृत हुई। आज रांची हावड़ा का ठहराव रेलवे स्टेशन भोजुडी में होने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उक्त ट्रेन के चालक एवं गार्ड को माला पहना कर स्वागत किया एवं खुशी में मिठाइयां बांटी। अब कांग्रेस कर्मी अपनी दूसरी पड़ाव की लड़ाई आज चौकआउट किया, जिसके तहत जो स्पेशल गाड़ी के नाम से आम जनता के पास अतिरिक्त पैसा जिन गाड़ियों का वसूला जा रहा है उसका स्पेशल नाम हटाकर भरी हुई पैसा वापस करने एवं टीटी लाइन में सवारी गाड़ी चलाने का मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। जब तक टीटी लाइन में गाड़ी नहीं चलेगी तब तक कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन को जारी रखेगा।